स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। सो ये व्लॉग टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड आज हम जा रहे हैं श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि गजरौला में है, और वहाँ जाकर के मुझे एक कोर्स में एडमिशन लेना है, अगर मुझे सही लगता है वो कॉलेज। और वो कोर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, पर आप लोगों को अभी इसको विज़िट कराता हूँ श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी को, और चलते हैं देखते हैं। अभी मैंने अपने दोस्त को पिकअप करना है, फिर चलना है। फ्रेंड के घर के बाहर निकलने का इंतज़ार करना एक मुझे दुश्मन के बराबर लगता है। इतने में तो मुझे दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, पर इन जैसे साले और दुश्मन बन जाएंगे। थैंक यू भाई, तुम आ गए बहुत जल्दी, तुम्हारा वेट किया इतना। जी सर। इसको लेकर के चल रहे हैं, कोई बात होगी तो संभाल लेगा ये। और ये करेंगे ड्राइविंग शॉर्टी करके। दिन की शुरुआत होती हुई विटामिन सी से। साहिल भाई जर्नी की शुरुआत करते हुए। गाड़ी साढ़े नौ कॉलेज कम रिसोर्ट ज्यादा लग रही है। सही कहा। सो ये रही इसकी पार्किंग, वो पार्किंग इतनी खतरनाक है इसकी, दिल ही खुश हो गया क्यों अभिषेक? बहुत ज्यादा भाई सर, बहुत ज्यादा। भाई साहब मैं इस जगह वीडियो बना रहा था, एडमिशन सेल में जा ही रहा था, तो मैं पीछे से वीडियो बनाते हुए चल रहा था। पीछे से एक टीचर आए, पता नहीं टीचर थे सर थी कौन थे, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा यहाँ पे वीडियो मत बनाओ। ऐसा क्या रीज़न था जो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना करा? आप सोचो कौन सा ऐसा कॉलेज है जो अपने कॉलेज की वीडियो बनवाना नहीं पसंद करेगा? उसका तो और प्रमोशन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, और बच्चे देखेंगे आएंगे उस कॉलेज में, वीडियो को देख करके अच्छा लगता है, बहुत सी यही होता है रीज़न। और अब मैं आगे की कहानी बताता हूँ क्यों मना कर रहा था, आगे वीडियो में देखते रहना। और भी रीज़न है कि क्यों मना कर रहा था, जहाँ तक का मेरा आइडिया है कि यही रीज़न हो शायद। तो साहब हम एडमिशन सेल में गए। एडमिशन सेल में जाने के बाद क्या हुआ कि मुझे BMLT में एडमिशन लेना था। वहाँ पे एक मैडम थी बैठी हुई जो हमें काउंसलिंग कर रही थी, बोली कि बेटा इतनी इतनी फ़ीस है आपकी और 50,000 रुपये। मैंने ये कोई दिक्कत नहीं है, बोली उसमें भी 10,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएंगे, 40,000 रुपये साल की फ़ीस थी। बोली आपको जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, प्राइवेट जॉब मिलेगी इसको करने के बाद। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो वैसे जॉब करनी नहीं है, मुझे तो अपना वो खोलना था लैब वगैरह। तो फिर
मेरे माइंड में आया जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती तो गवर्नमेंट अप्रूवल कैसे मिल सकता है। मैम फिर मैम ने मुझे काटने की कोशिश की या दिमाग थोड़ा चेंज करने, नहीं बेटा आप जो है प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। भाई प्राइवेट जॉब करने के लिए भी BMLT करनी पड़ेगी क्या? BMLT सेक्टर में या कहीं लैब टेक्नीशियन की जगह पे भी हमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, प्राइवेट में कहीं पे भी ऐसी जा कर के लग सकता है, ठीक है ना। तो मैंने पूछा मैम जब गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती तो हमें गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करके देगी? तो मैम ने फिर बताया कि ये अभी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया नहीं है इसलिए ये गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है, तो इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इतनी बात उन्होंने पहले नहीं बताई, फिर बाद में बताई जब मैंने उनसे पूछा। तो उसमें अगर आप कोई सा भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं BMLT या अदर पैरामेडिकल तो बहुत सोच समझ करके लें, बहुत चेक करके लें। उसके अंदर MBBS भी है भाई, मैं समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। तो फिलहाल ये तुम्हारी मर्जी है एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, मेरा काम बताने का था कि BMLT में ऐसा ऐसा सीन है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि वो डायरेक्ट ले लेते हैं, उनके माइंड में यह रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल भी कौन सी रही है तो हम प्राइवेट ही करनी है। तो वो एक तरीके से अगर तुम करोगे तो वो BMLT तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है, घटिया है, बिल्कुल मत करना वहाँ से, बिल्कुल भी नहीं, सारा पैसा वेस्ट, पैसे की तो कोई कीमत नहीं है क्योंकि टाइम जो निकल गया सो वापस नहीं आने वाला है। इसलिए आपकी इच्छा है बहुत सोच समझ के एडमिशन लेना उस कॉलेज के अंदर, दिखाते हैं आगे। भाई साहब इस यूनिवर्सिटी में हम आए विजिट करने तो हमें पहले तो वीडियो बनाने से मना कर दिया, फिर हम BMLT में एडमिशन लेने के लिए गए तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट स्टेट से लीगली तौर से नहीं है ये जहाँ तक का आइडिया है, बोले कि तुम सिर्फ प्राइवेट ही कर सकते हो, कुछ बाकी कुछ नहीं कर सकते तुम। यमी भी चल रहे हैं भाई, वाड़ा हो रहा है इसका मतलब इसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है, तुम्हें बताएं। इधर आई भाई, इनकी क्लासेस वगैरह जितनी भी सारी क्लासेस, यहाँ एक ही कैंपस है इनका, इसी में पूरा ख़त्म हो गया है कैंपस, ये ग्राउंड है छोटा मोटा सा, ख़त्म हो गया ये तो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया। सारी उम्मीदों पे इन्होंने गवर्नमेंट को फेंक दिया, क्या बोलते हैं